control now. Out of control now. So lonely, Mr. Boys and girls, welcome to a brand new episode of Hot or Not with me, Vijay Umar. आज हम लोग के एस बी एल में है और टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू गोना टॉक अबाउट लोड शेडिंग. एरिया वाइज लोड शेडिंग जो होती है, इज इट हॉट और नॉट. आई हैव दिस साइड विद मी जो इसके अगेंस्ट में बोलेंगे और ये लोग इस चीज के फेवर में बोलेंगे कि लोड शेडिंग जो है वो एरिया वाइज होनी चाहिए या नहीं. क्योंकि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि लोड शेडिंग जो है वो ज्यादातर सिर्फ उन इलाकों में होती है जहां पे गरीब लोग रहते हैं. पोर्श इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा नहीं होती. जब भी हड़ताल होती है, एहतजाज होता है, टायर जलते हैं, तो वो सिर्फ उन गरीब इलाकों में गरीब लोग ही करते हैं. पोर्श इलाकों में जो लोग रहते हैं, वाई डोंट दे फेस द सेम डिफिकल्टीज एज दोज जो गरीब लोग हैं. तो वो हम इन दो टीम्स के साथ आज डिस्कशन करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, व्हाट डू यू गाइस थिंक, आपका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट एरिया वाइज लोड शेडिंग? जी पास कर देंगे माइक प्लीज. जी एरिया वाइज होनी चाहिए लोड शेडिंग. उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि लोड शेडिंग का जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये होता है कि रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट हो रहे हैं. जौन से एरियाज जो हैं वो बिल्स दे रहे हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है कि वहाँ पे लोड शेडिंग हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. अच्छा द थिंग इज के वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. पाकिस्तान को डेमोक्रेसी कहा जाता है और डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इक्वालिटी. उस इक्वालिटी के अंदर हम लोग हर एक को इक्वल बेसिस के ऊपर ट्रीट करते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. तो लोड शेडिंग जब सिर्फ एक ही तबके के साथ होती रहती है, सिर्फ वही डिफिकल्टीज फेस करते रहते हैं, तो एजिटेशन होती है लोगों को, वो हड़तालें करते हैं, उससे हालात पूरे मुल्क के खराब हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों नहीं है कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होगा. आप माफियाज को प्रमोट कर रहे हैं. माफियाज जो है वो प्रमोट होंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह एक जैसी लोड शेडिंग हो रही है. उनको कोई फर्क पड़ेगा तो फिर वो इस तरफ ध्यान दिया जाएगा ताकि ये कुंडा सिस्टम और ये जितने लाइन लॉसेज हैं वो खत्म किए जा सके उस एरिया से. तो कुंडा सिस्टम और जितनी भी बिजली, जिसको एक्चुअली कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, तो वो भी तो हमारे अपने ही लोग करते हैं. और आपके ख्याल से उसकी वजह से भी लोड शेडिंग होती है? जिन इलाकों में ज्यादा जो है वो चोरी होती है, कुंडा सिस्टम होता है, उन इलाकों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है? डू यू थिंक सो? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. अभी जैसे नॉर्थ नाजमाबाद एंड नाजमाबाद नंबर 4, ये वो एरियाज नहीं है जो कि पोर्श इलाके आप बोल सकें, जिनको ये हाईली पोर्श बोल सकें. यहाँ पे भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती. उसकी मेन रीजन ये है कि वहां से रेवेन्यू जनरेट होते हैं, बिल कलेक्शन मोर देन 90% है. तो इस वजह से मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग बिल देते हैं, जो प्रॉपरली सब अपनी चीजें कर रहे हैं, उनका हक है कि उनको प्रॉपरली सारी सर्विसेज मिले, वहां पे बिजली नहीं जानी चाहिए. इनके इस आर्ग्यूमेंट के साथ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट जो हमार कह रहे हैं डेट इज क्वाइट राइट, बट इसका अदर एंगल भी है बिकॉज आई एम लिविंग इन अ एरिया जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है, अब नाउ कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं अगर अपने आप को इंडिविजुअली कंसिडर करता हूँ तो आई एम द पर्सन हु इज पेइंग बिल टू द KESC. ठीक है, अब अगर वो किसी दूसरे मोहल्ले में लोड शेड, वो वहाँ पे कुंडा लगा हुआ है, तो वाई आई एम पेइंग फॉर डैट? मुझे जो बिल आ रहा है, मैं जितनी कंजम्पशन कर रहा हूँ, मैं उसको वहाँ पे कर रहा हूँ KESC को. ठीक है, तो उस केस में आई डिजर्व दिस राइट टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम. इन दैट केस आई थिंक दिस इज नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन कि आप मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी के लोड शेडिंग के अजाब में मुझे भी झेलना पड़े. अच्छा, जब फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक अकेला बंदा हूँ और मैं एक बस्ती में रह रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से सारे अपने बिल वगैरह क्लियर करता हूँ, पर मेरी बस्ती में बहुत जो है वो बाकी लोग जो है वो क्लियर नहीं करते बिल. उनके यहाँ प्रॉपर वायरिंग भी नहीं है, मीटर भी नहीं लगे हुए, और वो जो है वो चोरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब डेमोक्रेसी का बोला कि वो इक्वल होता है, इट्स एक्चुअली एक्विटी. तो सोशल एक्विटी के हिसाब से हम उस पर चल रहे हैं कि इट शुड बी लोड एरिया वाइज लोड शेडिंग. इनका जवाब देने के लिए बात यह है कि देखें,
आपकी एक सोशल एज अ सिटीजन आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जैसे बाहर आप अपने दरवाजे पे कूड़ा देखते हैं, आप उसी तरह उसको साफ करते हैं. इसी तरह लोड शेडिंग का जो प्रॉब्लम है, जैसे कुंडा है, ये कूड़ा ही हुआ आपके पूरे एरिया के लिए. तो एक तो एज अ मॉरल सिटीजन, एज अ पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझता है कि मैं एक एरिया में रहता हूँ, मुझे ठीक करना चाहिए. तो मुझे अपने एरिया के पास लोगों को बोलना चाहिए कि देखें ये गलत है. उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी जो है वो पॉलिटिकल साइड पे आ जाती है, पर पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजली की. ऐसे भी लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि पंजाब में लाइट जो है वो जाती है, सिंध में तो जाती ही नहीं है. और कुछ लोग कहते हैं कि अब जो है क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब से आ गई है तो अब पंजाब में लाइट नहीं जाया करेगी और सिंध में जाया करेगी. देखिए ये तो ब्लेम गेम है. एक तो ब्लेम गेम तो है. मैं चीज इसलिए क्लियर भी कर दूं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा है, सिंध का जो पावर प्लांट है और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब के इलेक्ट्रिक स्टेशंस के साथ. इसलिए इस चीज का ये पर्सपेक्टिव ही गलत है कि जी पंजाब में अब आएगी और सिंध से चली जाएगी. यू वर सेइंग समथिंग. या आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब आप इस वक्त में रह रहे हैं जहां पीपल हैव ऑलरेडी टेकन स्टफ इन देयर ओन हैंड्स, राइट, इन अ वेरी नॉर्मल वे. यू आर सीइंग इट ऑन सोशल मीडिया, यू आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग. टेक स्टफ इन अ पॉजिटिव वे. फर्स्ट बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन योर एरिया एंड देन ब्लेम अदर पीपल. तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया वगैरह पे जो भी हो रहा है, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू स्पीक अप, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, पर विद इन लिमिट्स होता है. वो भी आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको लगता है कि जो भी होता है हम इतना ब्लेम गेम खेलते हैं सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे, इज इट द राइट थिंग टू डू? देखें व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर इज द पावर ऑफ द मासेस. आपका जो मासेस का पावर है दैट कैन किसी चीज को भी हिला के रख सकता है. हम देख चुके हैं कि पिछले कुछ महीनों में हम ये इसका इफेक्ट देख चुके हैं. हम अगर इसको पॉजिटिवली यूज करें एज वन नेशन, नॉट एज कि हम एक सेक्ट को बिलोंग करते हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. आई मीन बिजली का सबका मसला है, आपको सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए. हाँ जी, तो व्हाट शी इज सेइंग कि सबका मसला है, सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैं बिल देता हूँ तो मेरी ना जाए बाकी सबकी लाइट चली जाए. तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? Answering to the question which Maru is just raising that we should care about all the things that are happening around us, I have very simple question that I want to ask her, that can you just name me five neighbors of yours? So you know there is a limit for you, okay, and in that case if you are fulfilling your limit, then what is happening after that, you are not catering for that. For example, you are saying that in defense the people are paying bills so they should get the electricity, okay. Now going to the other area, how would you define the boundary of that area? Because there is one street, okay, on one side you are getting the electricity, on the other side you are not. Now you are saying that okay, this the person who is living in front of me, he is not getting while I am getting, because I am my boundaries end into defense area and the other the boundaries of the other person that ends into some other area. So how you are going to make this differentiation? And on top of that, if we consider a city-wise electricity load shedding, in that case, Karachi is also an area that is a complete full-fledged area. If you are applying your theory in just one area, then you should also apply the same theory on Karachi as a whole. Then you shouldn't say that, okay, why the Lahore is not getting electricity and why this area is getting electricity. If the Lahorians are paying electricity bill, then why they are not getting electricity. So you know there is no way out to differentiate among these areas. Okay, first of all, I can name all the people who are living in my neighborhood. So that is a wrong stereotype that you're saying, that people in a particular area of the city do not know their neighbors. Secondly, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं डीमार्केशन करूं. जो ग्रिड स्टेशंस बने हुए हैं उसके हिसाब से आपको बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके हिसाब से आप सेक्टर्स में होते हैं, उसी के हिसाब से आपका घर का एड्रेस भी होता है, राइट. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और रही बात कि मेरे आगे वाले बंदे को नहीं आ रहा, मेरे पीछे वाले बंदे को नहीं आ रहा, तो अगर मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं अपनी लाइन उनको दे दूंगी कि यार अपना पंखा चला लो. अच्छा, समवन फ्रॉम दिस साइड ओनली अभी किसी ने कहा था कि जी हम बिल पे करते हैं तो हम लोग क्यों, हमें सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए. वाज इट दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड? यू वर द वन, आपने यहाँ पे से कहा था ना कि जो बिल पे करता है उसको. अच्छा, द थिंग इज कि आपकी साइड पे से ही कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बात की. वो ये है कि आप कहते हैं कि जो बिल पे करता है उसको सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड शी इज सेइंग कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हम सबको
और अगर मॉरली हम लोग सब अलाइव हैं तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प भी कर देंगे किसी की अगर उसके वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है. तो योर कमेंट इज थोड़ा सा जो है वो सेल्फिश उसमें एलिमेंट आ रहा है. उनका कमेंट जो है वो मॉरली बहुत जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम है उसका. तो यहाँ से कोई इसको जस्टिफाई करेगा पहले? आई थिंक वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग के ये जो मसला है इसको अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की बात करते हैं तो उसमें भी लिमिट्स हैं कुछ. ठीक है, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जी अगर कोई कुंडा इस्तेमाल कर रहा है और वो चोरी कर रहा है बिजली की और फिर भी आप ये कहते हैं कि जी इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज नॉट फेयर. जी दिस इज नॉट फेयर. और फिर दूसरी बात ये कि यार ये दो तीन चार साल का मसला नहीं है, ये दो तीन डिकेड से मसला हमारे साथ हम फेस कर रहे हैं इसको. अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो सबको इक्वली जानी चाहिए बिजली, कहीं भी लोड शेडिंग ना हो, ऑलरेडी आप वैसे ही खसारे के अंदर हैं और ये आप बिजली जो है वो आपकी एक महदूद लिमिट के अंदर आप प्रोड्यूस कर पाते हैं जिसमें भी आपको और आगे वापडा से भी लेनी पड़ती है. तो बहुत सारे इंपेडिमेंट्स हैं, हर्डल्स हैं जिनको आपको देख लेकर चलना पड़ता है. अगर आप इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो फिर भी ये चीज परसिस्ट करती है, वो फिर भी चोरी करते रहते हैं, तो इसका कोई सलूशन नहीं है, बल्कि जो इंडस्ट्रीज को भी मिल रही है वो भी कट ऑफ हो जाएगी. तो ओवरऑल आप यही कह रहे हैं कि एरिया वाइज जो लोड शेडिंग होती है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है, उसको एरिया वाइज ही होना चाहिए. बिल्कुल, इसमें बस ये पॉइंट जो मारुख ने जिस तरह रेस किया है वो ये है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है कि अगर आपको कोई चीज नजर आती तो यू आर द वन जो आइडेंटिफाई है उसको आप रोकें. बिल्कुल, आप आइडेंटिफाई जरूर करें. हाँ जी, योर टर्न. दो पॉइंट्स हैं. पहले कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं मेरी एक घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं होती. मेरे बिल्कुल ही एडजेसेंट जो बिल्डिंग है, दो लोग जो सेम डेमोग्राफिक्स में रहते हैं, जो सेम इलाके में रहते हैं, जिनके इनकम लेवल सेम है और जिनकी बिल पेमेंट्स की आदतें भी तकरीबन सेम ही होगी, लेकिन उनके पास छः घंटे की होती है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली का जो निज़ाम है वो इस बेसिस पे सिर्फ चलाएंगे कि कहाँ से बिल पे हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है. क्योंकि मैं भी बिल दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, जिस तरह काशिफ ने कहा लाहौरी बिल दे रहे, तो ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है नैरो डिविजन पॉइंट है कि जो बिल दे रहा है उस पर पे किया जाए, क्योंकि कराची का मसला इससे बहुत ज्यादा हो गया. सही है. सेकेंडली, चूंकि बिल के बेसिस पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अनफेयर और इनजस्टिस हो रहा है, हमें नीड के बेसिस पे करना चाहिए. कराची में स्पेशली जहां पे अगर आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, अगर आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं, जहां पे एक पेशेंट के ऑपरेशन की फी 500 रुपए से कम है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट हॉस्पिटल टू पे द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज. तो चूंकि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यू पे नहीं कर पाते, इस आइडिया के मुताबिक वहां पे कभी बिजली नहीं जाती, कभी पहुंचेगी नहीं वहां बिजली. एक स्कूल जो गवर्नमेंट है, चूंकि वो अपने बिल पे नहीं कर पाते, वहां पे उनकी बिजली नहीं पहुंचती कभी. देखिए, अगर इस तरह इस पर्सपेक्टिव से जो हम लोग बात करेंगे तो फिर तो एक चीज से जो है वो हजार और चीजें खुल जाएंगी. एग्जैक्टली. तो जो व्यू है तो सिर्फ बिल पे करने पे हो, तो जो बिल पे कर रहे हैं उनके साथ भी अनफेयर हो रहा है, तो वो वहां पे हमने डिसरिगार्ड कर दिया. लेकिन अगर बिल पे ना करें, अगर नीड के बेस पे करें, तो नीड के बेस पे तो और भी ज्यादा इनजस्टिस. अच्छा, अगर इनजस्टिस प्रॉपर्ली ऑन अ नेशनल लेवल हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों के लोग ही हैं, हर एक डेढ़ महीने बाद वही बार आते हैं बेचारे, वही अपने इलाकों में टायर वायर जलाते हैं कि जी हमारे एक दिन से बिजली गई हुई है. ऐसे क्यों नहीं होता कि पूरी जो पूरा शहर है वो उनको सपोर्ट करे, उनके साथ रहे और चेक भी करे जाके वहाँ पे कि अगर वहाँ पे कूड़ा सिस्टम है तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाए. अच्छा, एक और चीज क्लियर कर दूं, जहाँ पे कूड़े होते हैं वहाँ पे एवरेज के हिसाब से बिल तब भी रिसीव किया जाता है, उन लोगों को बिल जाते हैं वहां पे एवरेज, वो लोग बिल दे रहे होते हैं. अगर बिल दे रहे होते हैं एवरेज पे, तो तब क्यों होती है लोड शेडिंग? पहली बात तो ये कि हमने बिजली चोरी खत्म करनी है. पाकिस्तान में 30-50% जो आपके रेवेन्यूज है ना, वो बिजली चोरी की वजह से जाया हो रहे हैं. लाइन लॉसेज हो रहे हैं, चलो वो तो एक साइड पे रख लें, लेकिन जो बिजली चोरी के हैं वो कम अज कम 30-50% तक है. तो बिजली चोरी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि इसको सेगमेंट वाइज इसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि ताकि जो लोग जिस एरिया में अगर बिजली चोरी हो रही है तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया से नहीं आ रही, तो वहां के जो लोग हैं वो भी उसके खिलाफ जो बिजली चोरी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं. तो इजीली चोरों को पकड़ना और बिजली चोरी को रोकना इस तरह से पॉसिबल है. अच्छा, चोरी को प्रमोट भी तो हमने खुद ही किया हुआ है, इन द सेंस के जहाँ पे कुंडा है बहुत से ऐसे जो है वो जो फ्रूट बेच रहे होते हैं, जिनके ठेले होते हैं,
वहां पे होता ये है कि दे डोंट हैव अ प्रॉपर वायरिंग सिस्टम जिससे प्रॉपर उनका मीटर लगा हुआ, ऑब्वियसली हर ठेले पे एक मीटर तो होगा नहीं, तो वहां पे वो लोग कूड़ा सिस्टम ही यूज करते हैं, जो भी सबसे करीब उनके इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है उनको यूज कर लेते हैं, पर वो वहां पे अगर परमानेंट होते हैं तो वहां पे उनको बिल मिलता है, या तो पुलिस अथॉरिटीज जो होती हैं वो ले लेती हैं उनसे बिल, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो इस चीज को रिसीव करता है इनके बिल उनसे लिए जाते हैं, और बिल लेने के बावजूद भी लोड शेडिंग होती है। यू रियली थिंक सिर्फ चोरी ही मसला है, या फिर पाकिस्तान ऑन अ नेशनल लेवल वैसे ही बना ही नहीं पा रहा इतनी बिजली के जो सबको सफिशियंट हो जाए? बिजली का मसला सर्कुलर डेट की वजह से है, सर्कुलर डेट लाइन लॉसेस की वजह से है। अबाउट योर कमेंट सर, यू मेड अ वेरी सेंटिमेंटल कमेंट अबाउट, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, कि ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह की आप बात करें कि हॉस्पिटल्स मुस्तस्ना हैं लोड शेडिंग से, उनके पास स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उनको दिए जा चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और प्राइवेट हॉस्पिटल के हालात वैसे भी बहुत बेहतर हैं उनसे, ठीक है वो आप, और जो आपने बोला कि आपके पड़ोस में नहीं जा रही, मे बी ही इज हैविंग अ सेपरेट ग्रिड, तो इस वजह से ये हो सकता है, डिमार्केशन में डिफरेंस हो सकता है, इवन पड़ोसियों में भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर मी। और जो सर्कुलर डेट है वो आप, वो इस वजह से है क्योंकि आप बिजली महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सस्ती बेच रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो सब्सिडी दे के भी आप लोगों को प्रोवाइड करें बिजली, उस पर भी आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो या तो आप इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं कि आप डिजिटल मीटर्स लगाएं, सैटेलाइट कंट्रोल मीटर्स लगाएं, आप इतने टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट नहीं है अभी, तो उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले पहले आपको बिजली चोरी खत्म करने का सिर्फ वाहिद हल यही है कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को कंपेल किया जाए कि ये माफियाज को खत्म कर दें। व्हाट अबाउट अगर हम लोग इस तरीके से सोचें इस बात के बारे में कि जब पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस तब लाइट शुरू में थी ही नहीं, बहुत कम होती थी लाइट उस जमाने में, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बट विद टाइम ऐसे ऐसे एरास थे बीच में जहां पे लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, और फिर हर एरा के साथ विद टाइम लोड शेडिंग शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता अब ये दौर आ गया है कि कभी कभार तीन दो दो तीन तीन दिन के लिए जो है वो एक प्रोविंस के अंदर लाइट बिजली होती ही नहीं है। तो डू यू थिंक कि व्हेन वी वर ऑल अ नेशन 1947 से पहले तब हमारे पास मुल्क नहीं था, अब जब मुल्क है तो हम लोग यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा एहतजाज करता है कि जी बिजली नहीं है तो वो हमें लगता है कि यार इसने रोड क्यों ब्लॉक कर दिया, वो हमें अपना अपना इशू पर्सनल इशू हम फील करते हैं कि यार हमें तकलीफ हो रही होती है, उसके लिए तकलीफ नहीं होती कि यार वो गर्मी में बैठा हुआ था, हमें तकलीफ इस चीज़ की हो रही होती है कि यार हम लोग हमारी ट्रैफिक क्यों खराब हो रही है, हम क्यों उसके लिए जो है अपना वो खराब करें, हालात क्यों खराब हो रहे हैं, हड़ताल क्यों हो रही है। तो डू यू थिंक हम सबको इस चीज़ के लिए एक यूनाइटेड स्टैंड लेना जरूरी है? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हम लोग को यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए, नो सेकंड थॉट अबाउट दैट, वो तो हम सबको लेना है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि वी आर नॉट ए नेशन, और ये जो एहतजाज और धरने होते हैं, तो क्या ये सिविलाइज्ड कौमों की निशानी होती है? सिविलाइज्ड कौम की निशानी है, बिल्कुल होती है, होती वो इस सेंस में है, आई वांट टू टेल यू कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट होता है बंदे के पास कि वो अपना प्रोटेस्ट करता है, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है, एंड दे हैव टू डू इट इन अ वेरी पीसफुल वे, सही है? Yes. तो अब यहाँ पे अगर हम उसमें जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं लोग, तो वो जज्बात की बात आती है, तो यही तो मुअज़्ज़िब कौमें इस तरह से एहतजाज और धरने नहीं किया करती हैं। अगर आपको डेमोक्रेसी आपको जरूर इजाजत देता है कि आप जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप जाके धरने दें, आप कुछ भी करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड ब्लॉक कर दें और उस रोड में एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हों और वहां पे लोग मर जाएं, अच्छा, और आप मुल्क को अपने शहर को आप नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियां आग लगाएं, आप सिग्नल्स तोड़ें, ये मुअज़्ज़िब कौमों की निशानी नहीं होती है, सिर्फ इस वजह से कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, ये आपके पास, ये आप इसको इस तरह से जस्टिफाई, एक्सक्यूज आप इसको आप ये कहेंगे कि अगर मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही है दो दिनों से या तीन दिनों से तो मैं जाके हंगामा क्रिएट करूं। हमें उन चीजों निकलने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए, हम मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं बार बार टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक है ही ऐसा कि वो एक मसला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पांच छह और मसले सामने आ जाते हैं। तो फ्रॉम दिस साइड आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बात की 1947 का एग्जांपल दी कि तब से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं है, तब था अब नहीं है, तब से नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि आपका जो है जब 1947 में पाकिस्तान बना तो आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो 11 साल लग गए, ठीक है, आपको आपके पास कोई एक प्रॉपर लीगल सिस्टम नहीं था जिसको जो आप फॉलो कर सकते, आपके पास कोई मतलब ऐसे अच्छे लीडर्स थे आपके पास, लेकिन अच्छे लीडर्स कुछ अरसे तक रहे, उसके बाद आपके पास
कोई डायरेक्शन नहीं थी कि आपने किस तरफ जाना है, ठीक है। अब जो है ऐसा है कि आपके अंदर जब सेंस ऑफ नेशनलिज्म ही नहीं आई तो हर जो रीजन है उसने अपने मफाद के लिए जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। वो आपको आज जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं वो नज़र आ रहा है, और ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो बिजली के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिजली एक पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड लाइक रोड्स, लाइक स्ट्रीट लाइट्स, लाइक पार्क्स। अगर आप आज ये कह रहे हैं कि जो बंदा बिल नहीं दे सकता या बिल नहीं दे रहा उसको बिजली देना बंद कर दें, तो आप कल ये कहेंगे क्योंकि जो बंदा टैक्सेस नहीं दे सकता या टैक्स नहीं दे रहा उसके इलाके में सड़कें भी ना हो। देखो, टैक्स की बात जब आती है तो टैक्स तो कंपलसरी हर शहर में, हर मुल्क में होता है। यहाँ पे हम टैक्स नहीं देते पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सारी सहूलत मिल जाए, तो ये भी तो गलत है यार। नहीं, वो तो उस चीज की उस वजह से आ गया ना, क्योंकि आपकी जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज हैं वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। बिजली के साथ भी यही है, जो आपके जो बिल कलेक्शन अथॉरिटीज हैं KESC काफी बेहतर हुई है, मतलब बाकी इलाकों से। जो अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड है वो यही होता है कि लाइनमैन आता है, आगे कहता है मैं आपका बिल जो है वो मीटर जो है वो एक अपर लिमिट सेट कर देता हूँ, इससे ऊपर आपका बिल नहीं आएगा। अगर आपको आपका ऑफिशियल ये कह रहा है गवर्नमेंट का कि मैं इस तरह करवा देता हूँ आपका, आप मुझे महीने के 500 रुपए दे दिया करें, तो फिर आप जो है वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से कि लोग जो है वो बिल देंगे टाइम। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जी करप्शन है, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तो इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। एंड लेट मी करेक्ट यू, पहली कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद बनी थी, 11 साल बाद नहीं, 56 में बन गई थी। ठीक है जी, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन Control now, out of control now. So long, Mr. Long. वेलकम बैक पीपल ऑन हॉट और नॉट। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे वापस से, एक इस साइड से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, मैं उस्मान के आर्गुमेंट पे कमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स नहीं देते आज तो आपको कल को शायद रहने की इजाज़त भी नहीं दे पाएंगे। बात यह है कि देखें, आपके पास आपको पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी आपकी बड़ी चादर हो। अब मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ मुझे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं एवरेज उसका करवा लूँ, कुंडा सिस्टम करवा लूँ, फिर चार चार एसीज भी चलाऊँ, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह आपके मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़े अपने एक्सपेंसेस कम करूँ, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कम करूँ, ताकि जो मैं बिल आए उसको प्रॉपर तरीके से दे सकूँ। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा इस पॉइंट से। मेरा पॉइंट पहली बात ये नहीं थी कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको मुल्क से निकाल देंगे या नहीं रहने दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पब्लिक गुड है, इसको इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की प्रोवाइड करना तमाम लोगों को, चाहे गरीब चाहे अमीर। आप दुनिया में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं मच डेवलप्ड कंट्रीज पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो कि ये काम कर रही हैं, वो तो हेल्थ और एजुकेशन भी फ्री प्रोवाइड करती हैं। चलें हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें प्रोवाइड गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए, कि अमीर और गरीब के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए कि इस एक को मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही। जो एरिया बिल दे रहा है उसको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही। और दूसरी बात जो आपने बताई चादर वाली, जो पांव फैलाने वाली, उसमें यह है कि आप बिल्कुल अपने जो है ना वो ये अपने एक्सपेंसेस देख के आप खर्चा करते हैं, हर बंदा ये करता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को ऑफिशियल ये फैसिलिटी दे रहा है कि भाई तुम जितनी मर्जी 4 AC चलाओ, 8 AC चलाओ, तुम्हारा बिल 2000 से ऊपर आएगा ही नहीं महीने का, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं मीटर में एडजस्टमेंट कर दूंगा, बस तुम मुझे 2000 रुपये महीने के दे दिया करना। अगर गवर्नमेंट में ये इनएफिशिएंसीज हैं तो इसको आप किस तरह पूरा करेंगे, बजाय इसके कि आप उसका ब्लेम आवाम पे और खासतौर पे गरीब लोगों पे डालें। नाइस पॉइंट। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट है इनकी तरफ से कि आप ग्रास रूट लेवल से करप्शन कैसे खत्म करेंगे, आपको कुछ कहना है? ओके, व्हेयर यू टॉक अबाउट यू नो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है और पब्लिक गुड है, वी शुड कंसिडर द फैक्ट कि पॉपुलेशन आपकी 120 मिलियन के अराउंड कुछ थी जब माइग्रेशन हुई थी, ठीक है, उसके बाद यू नो योर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अप टू 189 मिलियन, एंड फॉर अस यू नो फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट आर डेवलप्ड
you know, public good is something that is in excess, and then you need to, you know, consume it in an efficient manner. Lekin hamare liye issue ye hai ki hamare paas electricity kabhi bhi public good tha nahi. Because hamare yahan policies jis tarah ki government ki aayi, jo Bhasha dam aur jo sare constructions ki baat hui, wo kabhi hua nahi. So that is basically an incompetency at the end of the government and not at the end of KESC. At the end of KESC, I think Tabish Gohar is doing well, you know, ki jo unke jo policies aaye hain, jo theft distribution system aaya hai, jo unhone CSR work shuru kiya hai, aur jo purane jo logo ke bills the, specifically jo Asad ne mention kiya tha needy areas ke liye, unke sare bills waive off kiye gaye the. To wo bhi, you know, that was a part of CSR activity. And now, you know, if he is talking about theft distribution system, that's how he would gain, you know, revenues, and that's how he would make a little bit of money to, you know, for moving further. So in a way, you're even trying to say ke, because electricity was never a public good in Pakistan, so hamari resources kam hai aur log bahut zyada ho gaye hain aur har ek ko hum equally distribute nahi kar pa rahe kyunki itni cheez hamare paas available hi nahi hai aur na itni resources hai ki hum utni electricity bana sake jitne log aur jitne ghar hain Pakistan mein. Dekhe, aapke point se main kuch had tak partially main agree karta hu ki hum sabko morally hona chahiye responsible, lekin wo bhi hum log ek had tak ho sakte hain. Agar mera neighbor nahi kar raha to main shayad uski help kar sakta hu, lekin agar mera pura mohalla nahi kar raha to obviously मुझे थोड़े वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं पूरे मोहल्ले को, और फिर आप इस तरह कहेंगे कि फिर अगर पूरा मोहल्ला है तो फिर पूरे टाउन को ही मैं संभालना शुरू कर दूं, तो इस तरह तो नहीं हो सकता यार. एक सेकंड जी, योर टर्न. पहली बात तो ये कि पूरे टाउन और पूरे मोहल्ले को नहीं संभालें. आप जब आप खुद एक कोई अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक चेन डेवलप हो जाएगी, आपका पड़ोसी जो है वो दूसरे मोहल्ले वालों का ख्याल कर लेगा, ठीक है. दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, ठीक है, ना करें. पाकिस्तान इतने इकोनॉमिक कंडीशन आप देखें कितनी ख़राब हुई हुई है. बांग्लादेश हमारे, पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है. सारी आपकी टेक्सटाइल फर्म छोड़ छोड़ के बांग्लादेश भाग रही हैं. आपका आईटी के सेक्टर के लोगों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया की सिलिकॉन वैली में, ठीक है. आपके फार्मास्यूटिकल की जितनी मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपने बिजनेस जो हैं वो अप टू 70% कम कर दिए हैं. तो अगर आप वो लोग जो बिल दे रहे हैं, ठीक है, आप उनके उनको तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ना. मतलब अगर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड ऑलरेडी हो रही होंगी तो आप मजबूर ही नहीं हो गए ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है जी. या एग्जैक्टली इन्होंने जो बात कही है, ये मेरा ख्याल ये है कि ये भूल गए कि साइड पे हैं, ये हमारी बात को इंडोर्स कर रहे हैं. और हम यही कह रहे हैं कि जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो व्हाट यू विल एंड अप विद शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, यू नो. यही क्राइसिस है कि आप इतना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. और ये इत्तेफाक नहीं है कि उन्हीं एरियाज के अंदर जहाँ पर एहतजाज पहले भी होते रहे, आज भी होते जा रहे हैं, अगर आप वहाँ का, अगर आप निकालिए वहाँ के बिल्स निकालें, वहाँ की हिस्ट्री निकालें आप पूरी, तो ये सारी चीज़ें मीडिया पे आती रहती हैं कि जिन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम्स पहले से आ रही हैं, अगर आप ये सजेशन दे रहे हैं कि जिन जहाँ से पहले से मसले मसाइले वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ बिल नहीं पे किए जा रहे, आप उनको अभी भी कंटिन्यूस इन, मतलब आप सप्लाई उनकी रोके नहीं, उनको अभी भी बिजली देते रहें, तो इसका मतलब ये कि अभी जो आप बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जा रही हैं, इंडस्ट्रीज अब यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई है कि लोग अपनी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इनकर कर रहे हैं कि अपने अपने प्लांट लगा लगा के बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस नहज पर आप जब पहुँच गए और आपके यहाँ से ड्रेन हो रही है ये सारी चीज़ें, बिजनेसेस जा रहे हैं, आप ये सजेस्ट करें बजाय इसके कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें ये किया जाए कि जी जिन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम है अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चले जाएँ तो जहाँ पर पहले से मसले मसाइल हैं वो चीज़ें और पेचीदा हो जाएंगी, और जिन घर के, जिन फैमिलीज के, जिन एरियाज में घरों से बिल नहीं अदा हो रहे, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप उनको इक्वली अभी भी बिजली आगे फराम करते हैं तो कल को जो है वो इस अपने बिल जो है वो पिछले ड्यूज क्लियर कर दें, एटलीस्ट आगे के बिल जो है वो पे करना शुरू कर दें. देखें, बिल तो अदा हो रहे हैं जिस तरह इन्होंने बोला कि अभी एवरेज बेसिस में आ जाते हैं. पिछले साल भी जो है एक पकौड़े वाले को 5 लाख का बिल दे दिया आपने, और आप कह रहे हैं बिल अदा नहीं हो रहे. तो बिल तो अदा हो रहे हैं. अब वो देखना ये है कि हम अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दें और सोसाइटी में हमारा इस तरह का आ जाए, क्योंकि जो गरीब जिन इलाकों में बिजली बंद हो रही है वो इतना वेल जो सेटल्ड एरियाज नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा वो पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, ठीक है, उनकी कंजम्पशन भी इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी चोरी भी ज़्यादा नहीं. देखिए, चादर भी आ गई, धरने भी आ गए, बात जो जो टॉपिक था ना, बात वहाँ से बार बार डिविएट हो जाती है.
बात यही है कि जो बिल दे रहा है, क्या ये मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेयर है, जस्ट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नीड बेसिस पे नहीं होगी तब तक चोरी होती रहेगी। अगर मेरी नीड पूरी नहीं हो रही और मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं चोरी लाजमी करूँगा। इंडस्ट्री की नीड है, उसको बिजली नहीं मिलेगी फैसलाबाद में, तो इधर वो चोरी करेगा या वो एम्प्लॉयमेंट बंद कर देगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट बंद कर देगा, 1000 वर्कर निकलेगा जो फिर नहीं चोरी करेगा। जब वो नहीं चोरी करेगा तो वापस थेफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। एक एक सर्कुलर चेन है अगर देखी जाए। आप लोग कहते हैं कि जो बिजली देता है उसके पास बिजली आनी चाहिए, लेकिन लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि जो साहिबे इस्तेतात हैं, जो अथॉरिटी पे हैं, जो गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं, हम अज्यूम वही करेंगे कि वो लोग लाजमी बिजली देते होंगे, हम यही अज्यूम करेंगे ना? तो अगर वो लोग लाजमी बिजली देते हैं लेकिन वो भी बिजली नहीं देते, क्योंकि वो खुद भी, हमारे पास मसला इनकम का भी नहीं है, हमारे पास मसला, दोबारा मैं यही रिट्रेट करूँगा, जिसके पास पैसा है वो भी नहीं दे रहा। तो अगर आप उसकी नीड पूरी कर देंगे किसी तरह और एक डिफरेंट मेथड ऑफ बिलिंग इजाद करेंगे तो आपके पास चोरी का कोई वजह ही नहीं रहेगी। मेरा यही तीसरा बात जो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, नहीं जी, बिल्कुल वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट के चोरी जो है उसको ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने जो है वो समझाने की कोशिश की है, किस तरह ग्रास रूट लेवल से आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो कि लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े चोरी करने की। एक चीज़ बहुत देर से जो है वो मेरे दिमाग में है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, CM हाउस और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशल्स वो हैं जिनके यहाँ पे AC चलते भी हैं, लाइट भी नहीं जाती, उनके बिल भी आते हैं और वो बिल पे नहीं होते, वो बिल जो है वो KESC या फिर कोई भी जो इदारा होता है वो उनको वेव ऑफ कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो बिल उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस गवर्नमेंट के बिल पे वेव ऑफ हो जाते हैं जो जो मुल्क को चला रही है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया होता है ताकि वो गवर्नमेंट हमें सर्विस दे, अगर उनके बिल वेव ऑफ हो सकते हैं तो उन गरीबों के बिल क्यों नहीं वेव ऑफ होते, जो जो बिल नहीं वेव कर पाते या फिर जो कुंडा लगा रहे हैं उनके बिल क्यों नहीं वेव ऑफ करती गवर्नमेंट? देखें, जहाँ तक बात है वेव ऑफ करने की, वेव ऑफ आप जिस सेंस में कह रहे हैं कि ये सब डिपार्टमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो वेव ऑफ नहीं होते। अगर CM हाउस या गवर्नर हाउस में अगर बिजली यूज हो रही है और वहां से बिल लिटरल सेंस में पे नहीं हो रहा है तो वो किसी और मद में KESC एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि KESC किसी और से ले लेता ना बिल, नहीं KESC किसी और से नहीं लेता, वो KESC को गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट्स करनी होती है टैक्सेस की सूरत में, दूसरी सूरत में नहीं। टैक्स को, इफ यू थिंक टैक्स को वो उसके अगेंस्ट जो है वो कट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि जी आपने हमारे देने थे पैसे, हमने आपके देने, खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। होता यही है कि वो बिल उनपे ड्यू होता है, वो उनको देना होता है, टैक्स भी लिया जाता है, पर वो जो बिल होता है वो बिल वेव ऑफ किया जाता है, क्योंकि वो बिल उनसे मांगा जाता है, वो बिल पे नहीं करते और उनसे फिर कोई लड़ नहीं सकता, सही है, तो वो बिल नहीं आता कभी भी। तो जब अगर इतनी चीजें माफ की जा सकती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं माफ की जाती? देखें, ऐसे पहली बात मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा आपसे इस बात पे। अगर ऐसी बात होती तो अभी हमने रिसेंटली इलेक्शंस में देखा था, जितने भी कैंडिडेट्स थे अगर उनके पास ड्यूज कभी भी थे तो उनको जो है कि वो नॉमिनेट इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनके वो जो नॉमिनेशंस क्लियर नहीं किए थे, तो ऐसी बात होती नहीं है मेरे ख्याल से। सेकेंडली आप ये देखें, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और काफी लोगों ने क्लियर नहीं भी किए अभी तक, नहीं किए तो वो दे डिड नॉट कंटेस्ट, नहीं दे डिड नॉट कंटेस्ट, मैं आपको भी नाम नहीं बता सकता पर वो जीत भी गए हैं, वो जीत भी गए हैं और वो उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, हल्फ उठा लिया, फिर अब ये तो गवर्नमेंट भी आ गए, केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, अब आप इसको इस तरह से आप, और दूसरी बात एक तनकीद करते हैं बासित इवन इन केस के अगर वो ड्यूज पे भी कर देंगे तो उनके ड्यूज होंगे कितने ड्यूज? जी करोड़ों की, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी ओन करने वाले अगर 5000 पर टैक्स पे करते हैं ना सबूत के साथ कि जी 5000 हीट बनता है मेरा, तो फिर तो बिल भी जो है इनके 2500-3000 ही आते होंगे कि जी हमारे घर में तो एक ही AC चलता है, फिर तो ये भी होता होगा। तो आप मतलब जब आपने इलेक्ट उनको किया हुआ होता है कि जो आपको सर्विस देने के बजाय जो है वो आपके ही पैसों से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, तो फिर तो ये अनफेयर भी होता है। जो चीज़ गरीब के लिए करनी चाहिए वो हम उनके लिए करते हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं और जो हमें गरीब कर रहे हैं,
तो मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इस तरह करते हैं कि उनके बिल्स वगैरह जो है वो वेव ऑफ होते हैं, हम में से कोई शोर मचाता नहीं कि हमें पता चलता ही नहीं है कि कब होता है इस तरह, पर ऐसे होता है। ये असलियत है कि काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं दे रिसीव द बिल बट दे नेवर गो एंड पे द बिल, अब किसी से पे करवाते भी नहीं है, वो परवाह ही नहीं होती ना, आते हैं तो आते ना जमा हो जाते होंगे पर पे कोई भी नहीं करता उनको, और ना उनकी बिजली कोई काटने आता है क्योंकि वो डर खौफ इतना होता है कि यार इनकी काट देंगे तो कोई मसला ना हो जाए। ठीक है जी, इट वॉज नाइस टू बी एट KSBL और बहुत इंटरक्टिव डिस्कशन थी आप लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी गोना रीच, वी हैव एक्चुअली रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, इंशाल्लाह फिर किसी और इंस्टीट्यूट में अगली बार फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।